नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एलएनवी टीवी में। मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री, दमोह विधानसभा के पूर्व विधायक जयंत कुमार मलैया ने एक आभार सभा, धन्यवाद सभा में दमोह विधानसभा 55 के मतदाताओं को संबोधित करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। काफी बड़ी संख्या में उपस्थित विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी शासन काल की योजनाओं के बारे में विस्तार से रखा, आगे यह योजनाएं प्रॉपर तरीके से संचालित होती रहें इस पर चिंता व्यक्त की और कहा कि अगर किसी प्रकार की छेड़खानी होती है तो हम इसके लिए दबाव बनाएंगे सरकार पर कि जनहित की जो योजनाएं हैं वह संचालित करती रहे। कांग्रेस को आईना दिखाने का प्रयास किया और कहा कि आपने जो वादे किए हैं वह वादे शीघ्र ही पूर्ण करने के लिए आप सरकार में आए हैं, कार्य करें। उन्होंने उपस्थित विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए दमोह विधानसभा के समस्त मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। और एक शेर के माध्यम से, एक कविता की चंद्र पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने अपने उद्बोधन को समाप्त करते हुए कहा कि माना कि समुद्र में पानी बहुत है पर नदियों की लहरों और नदियों का उफान ही यह कुछ अलग कहानी कहता है। उनके जो भाव थे वो इन लाइनों में व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जो है वह अभी परिस्थिति जो है धीरे धीरे सब अनुकूल हो जाएगी, सब कुछ सामान्य हो जाएगा और हम जनता के हित के लिए कार्य करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। जनता की आवाज लेकर हम लगातार आंदोलन भी करेंगे, विधानसभा के अंदर भी हमारे जो विधायक हैं वह आवाज को बुलंद करेंगे और जनता के हित के लिए हम सड़कों पर भी लड़ेंगे। यह बात उन्होंने आभार सभा में अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कही। इस अवसर पर अनेक वक्ताओं ने अपने विचार भी रखे तो वहीं दूसरी ओर डॉक्टर श्रीमती सुधा मलैया ने भी अपने विचार इस समय व्यक्त किए। आइए एलएनवी टीवी के माध्यम से हम आपको दिखलाते हैं क्या कहा जयंत कुमार मलैया ने दमोह विधानसभा 55 के मतदाताओं से। आज तो मेरे पास कहने के लिए कुछ है नहीं, मैं तो आप लोगों का और आप लोगों के साथ साथ पूरी जनता का धन्यवाद करने, आपका आभार व्यक्त करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। मित्रों, मैंने जितना किया होगा वो कम है, आपने मुझे उससे बहुत ज्यादा दिया, जो प्रेम दिया है, जो भरोसा दिया है, जो विश्वास दिया है, ये मैं कभी थोड़ी लौटा पाऊंगा। ये चुनाव में थोड़े वोटों की जीत हार तो चलती रहती है और ऐसा भी कुछ नहीं है ये जो दृश्य कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश में 41% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है और कांग्रेस को भी 41% मिला। वोटों की गिनती में जरूर हम दो अंकों से पिछड़ गए और कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर एब्सोल्यूट मेजोरिटी उन्हें भी नहीं, उनके साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई। तोड़फोड़ तो हम लोगों को भी बहुत करना आता है परंतु वो करना नहीं है क्योंकि स्पष्ट जनादेश नहीं है और हम लोगों को तो विरोध में रहने की बहुत आदत है तो हम लोगों को इससे फर्क भी नहीं पड़ता। मित्रों, बहुत सी विकास की योजनाएं जैसे मेरे सब पूर्व साथियों ने जिक्र किया, अलग अलग योजनाओं का सुनना चाहता हूं। मैंने कई मुख्यमंत्रियों जी के साथ काम किया है परंतु जो वो हैं ऐसा कोई नहीं, उन्होंने इतना काम किया, गरीबों के सामाजिक सरोकार के काम। सबसे बड़ी बात है कौन सा ऐसा वर्ग रहा है जो छूटा रह गया और काम ना हो पाया,
अब मुझे लगता है कि सारे काम के चलते रहेंगे, चलते रहें तो अच्छी बात है, गरीबों का इलाज होता रहे तो खैर। मैं एक जानकारी जरूर आप लोगों को देना चाहता हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना जिसमें लगभग 90% आबादी का कवरेज है मध्य प्रदेश में, इसमें संबल योजना के भी जो पात्र हैं वो भी हैं, उनका 5 लाख रुपए तक का बीमा है। आप दिखाएं, ये बैठे हैं यहाँ पर, इसके बाद अगर चाहें तो आप इनसे समझ लें और ये बता देंगे, हजारों लोगों को फायदा मिलना प्रारंभ हो चुका है और इसकी पूरी की पूरी ये दुनिया की सबसे बड़ी बीमा की योजना है, हेल्थ इंश्योरेंस है, जिसका प्रीमियम भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली की भर रही है और राज्य सरकार भर रही है। हमारी ये योजना चालू रहती, हमें चाहिए तो ये है, हमारा सपना था कि 2022 तक हर किसी के सर के ऊपर पक्की छत हो जाए, बहुत अच्छी बात है। उज्ज्वला योजना में हर गरीब के घर में सिलेंडर पहुंच जाए, 3.5 करोड़ सिलेंडर पहुंच गए, पहुंच जाए तो अच्छी बात है। हम बांट रहे थे कि सरकारी जगह के ऊपर जिनके घर हैं उनके लिए हम पट्टे दे रहे थे, उनका वितरण कर रहे थे, हमने इसमें कोई भेदभाव नहीं किया, हमें कहीं से वोट मिले ना मिले हमारी योजनाओं में सबके लिए एक बराबर की हिस्सेदारी है, उसमें हमने कहीं कोई फर्क नहीं किया। अब ये योजनाएं जारी रहें, हमारा तो दबाव रहेगा कि जारी रखें, परंतु कैसा उनका वित्तीय प्रबंधन होता है ये भी हर किसी के बस की बात थोड़ी है, नीति के साथ नियत ही तो चाहिए, जिसका बड़ा नितांत अभाव रहता है दूसरी पार्टी में। अभी सुधा मलैया जी कह रही थी कि अटल जी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी हारता नहीं है, या तो वो जीतता है या फिर हार से सीखता है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम भी सीखेंगे इन चीजों से और अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अब सरकारें इतनी नाजुक हैं कि आज मेजॉरिटी है नहीं, कुछ है नहीं, अभी आज हम इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते कि 3 महीने बाद क्या होगा, 6 महीने बाद क्या होगा, और तो कुछ भी हो सकता है और हमको कुछ नहीं करना है। जनता का इतना दबाव होता है अपने जनप्रतिनिधियों के ऊपर, तो अगर जब ये काम नहीं होंगे, अगर 1 रुपया किलो गेहूं हमने दिया है, अगर आज अगर वो 1 रुपया किलो गेहूं ना दे पाए तो क्या गरीब जनता बर्दाश्त करेगी? गरीबों का इलाज अगर निःशुल्क होता नहीं होता तो क्या करेगी? हम बच्चों के लिए मुफ्त किताबें देते हैं, मध्याह्न भोजन देते हैं, गांव से दूसरे गांव में जाओ साइकिल देते हैं, 70% मार्क्स लाओ तो इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज में सब जगह एडमिशन जब पाते हैं उनकी पूरी फीस हमारी सरकार देती है। कैसे इतनी सारी योजनाएं हम कर रहे हैं, किसानों के लिए इतनी योजनाएं कर रहे हैं, वह यहां तो आज बात करने का समय नहीं है। तो क्या अगर ये योजनाओं को उन्होंने झुटलाया नहीं कर पाए तो क्या होगा? फिर दबाव पड़ता है प्रतिनिधियों के ऊपर। हम तो चाहते हैं कि सरकार आए, अच्छे से सरकार चलाए और उसमें हम सकारात्मक सहयोग करें। हम कोई नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग नहीं हैं, नकारात्मक सोच नहीं रखते हम लोग। हम लोग तो हमेशा चाहते हैं जो सरकार आए सो चले और अच्छे से चले। आज आप लोगों के बीच में मैंने लोगों को हमेशा परिवार माना है, इतने वर्ष हो गए हैं, लोगों से मिलना जुलना राजी नाराजी सब चलता है परिवार में, ये सब होता रहता है। हाँ, पर तो ये बात भी है, इतने लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में आप लोगों के बीच में हूं, कभी कोई बात मुझसे ना हो पाई है। हालांकि मेरी कोशिश रहती है कि जितनी मेरी सक्षमता है क्षमता है तो उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूं, कभी ना कर पाया हूं तो उसके लिए मैं क्षमा याचना भी चाहता हूं। कर मैं ना बेरोजगारों को भत्ता है, छोड़ो वो तो हमें स्थिति पता है ना, बैंक की और ट्रेजरी की, वो क्या बताएंगे। आज कुछ भी कह लो, गुरु जी कह रहे थे कि उन्होंने कुछ आदेश आदेश निकाला, हमने कहा सहकारी बैंकों का कर भी देंगे तो क्या 36,000 करोड़ रुपए जो नेशनलाइज बैंक का कर्जा है वो कहां से करेंगे, कौन देगा पैसा? और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपका तो घोषणा पत्र में लिखाइए सबसे पहले, क्या दिक्कत की बात है।
हम उसको स्वीकार करेंगे। मित्रों आज वैसे बस आप लोगों से करता है, हम जीते भी हैं, बहुत बार जीते हैं, परंतु हम लोगों ने कभी उबराने लगते हैं, हम लोगों ने कभी ऐसी स्थिति नहीं आने दी। और अक्सर कभी कोई ऐसी बातें आती हैं तो हम लोग कहते हैं ईश्वर जरूर ठोकर लगा देना जिससे हम ठीक रहें, जमीन पर रहें। और ईश्वर की इस मामले में बड़ी कृपा रही है, कभी कोई गलती करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं से रोक लगने लगती है। मित्रों माना के समंदर में पानी अपार है, परंतु वो भी जानता है कि नदियों का उद्धार है। मैं आपका आभारी हूं, आभार मानता हूं, और इसके साथ साथ मैं हमें कुछ बताना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, मैं और हम सब सब आपके साथ रहे हैं, आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चूक है, उस चूक के लिए हम गलती मानते हैं। जो भी अच्छा है वो हमारे सब कार्यकर्ताओं का है, उन्होंने सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी की टीम ने बहुत अच्छे से काम किया है। इतने सारे कार्यकर्ता करते रहे काम, और हम हमारी कोई गलती है तो हम उसे स्वीकार करते हैं, भविष्य में वह ना हो ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं, और आप सबका सम्मान से स्नेह हमें मिलता रहे ऐसी भावना रखते हैं। इन समाचारों के लिए देखते रहिए LMB TV, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार।